आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। गोंदिया जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नवेगांव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प आखिरकार 7 महीनों बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। इसमें प्रथम दिन बड़ी संख्या में पर्यटकों ने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया, वहीं ऑफलाइन एंट्री नहीं मिलने से अनेकों को निराश होना पड़ा। व्याघ्र प्रकल्प में निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है, बावजूद अनेकों वाहन दिखाई दिए। कोरोना के कारण लॉकडाउन किया गया था, तभी से सभी पर्यटन स्थल बंद पड़े थे, किंतु धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। प्रथम दिन ही सातारा जिले से महिलाओं के जत्थे वहां पहुंचे और सफारी का भरपूर मजा लिया। इनमें से कुछ ने कहा कि यहां व्याघ्र प्रकल्प में शांत व धूल रहित वातावरण है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।